80,000 वोट लेना कोई मामूली बात नहीं है हमारे लिए। डॉक्टर साहब पहले इलेक्शन में भी जीते हुए थे, आज भी जीते हुए, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में वो विधानसभा में हो जाएगा। डॉक्टर साहब चुनकर नहीं आए तो जो चुनकर आता उस तरीके का काम करते हैं। देखिए और उनके काम देखे जब से उनको हम फॉलो कर रहे हैं, भाई मध्य के, लेकिन उन्होंने पूर्व के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उनके काम पे फिदा है। क्या बात है, आपके सामने आपके पास सूरत लोग आपको आमदार देखना चाहते हैं, इसके पर क्या कहेंगे? ये दो भी लाए हमारे काफी लोगों से बातचीत है। इंशाल्लाह अभी माहौल बना, अभी हम कहेंगे सब कहेंगे, अभी माहौल जो बना और इंशाल्लाह जो माहौल बनते हुए आ रहा है, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हजारों के बीच से चुनके आप तमाम लोगों के तासुरात सुन रहे थे कि डॉक्टर साहब बिना किसी पोस्ट के मोहताज रहे हुए, किसी पोस्ट के किसी अहदे के मोहताज ना रहते हुए, माशाल्लाह उन्होंने आज भी एक एमएलए की तरह लोगों के दरमियान रहते हैं, काम करते हैं, और उनकी यही कारकर्दगी इंशाल्लाह 2024 में उन्हें जरूर असेंबली पहुँचा दी। विरोधी तो लगना चाहिए ना, विरोधी रहते तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा ताकत आती है, तो डॉक्टर साहब के जितने विरोधी रहेंगे तो डॉक्टर साहब उतनी ताकत से, और हम लोग उससे ज्यादा ताकत से काम करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।